हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज, यूट्यूब चैनल रावत ऑल इन वन पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी टेक्निक से कार सिखाने वाला हूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा अपना एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है रावत ड्राइविंग के नाम से। उसमें कई लोग पूछते हैं कि सर, हमें बाइक चलानी नहीं आती, इसमें स्कूटी चलानी नहीं आती, तो अभी हम क्या कार चलाना सीख सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है, बहुत ईजी टेक्निक से बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से सब कुछ बताया हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो कैमरा पकड़ने के लिए भी मेरे पास इस समय कोई नहीं है, मेरे को खुद कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, खुद वीडियो बनानी पड़ रही है। पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को कार चलाना सिखा सकूँ। और मैं आपको कोई बाहर गाड़ी सिखाने वाला नहीं, लॉकडाउन है तो मैं आपको आज पार्किंग में कार चलाना सिखाने वाला हूँ कि आप लोग भी इजी तरीके से कैसे पार्किंग में कार चलाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को पार्किंग में ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग, हम पार्किंग में कार चलाना सिखाने वाले हैं आज। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपनी पार्किंग में आ गए हैं। आज मैं आपको पार्किंग में गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, आगे पीछे आप पार्किंग में कैसे इजी तरीके से सीख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पार्किंग का स्पेस कितना छोटा है, तो उसमें मैं आपको आने वाली अगले वीडियो पर यह भी दिखाना चाहूँगा कि इन पार्किंग में आप दो गाड़ी एक साथ कैसे लगा सकते हैं इजी तरीके से, वो भी बैक करके। क्योंकि खुले में तो आपने इजीली देखा होगा, कई लोग आपको दिखाते हैं इजीली कि भाई लोग पार्क करके दिखा दिया, स्टेयरिंग ये घुमाया, स्टेयरिंग इधर घुमाया, गाड़ी घूम गई। बैक का जो कहते हैं कि बैक की उल्टी काट होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बैक की उल्टी काट कहते किससे हैं। आपने ये देखा है राइट को स्टेयरिंग घुमाया, राइट घूम गई, लेफ्ट को घुमाया, लेफ्ट घूम गई। तो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि आपकी उल्टी काट कैसे होती है, छोटी पार्किंग में आप दो गाड़ी कैसे लगा सकते हैं बैक करके वो भी, और पतली गाड़ी में आप अपनी गाड़ी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारी दूसरी गाड़ी है, हम इसको भी बाद में इसी पार्किंग में लगाएंगे और बैक करके लगाएंगे, कैसे आप बैक करके इस तरीके से इस गाड़ी को लगा सकते हैं, और पतली गली में भी आप गाड़ियों कैसे बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हमारा खाली इसी का है कि हम गाड़ी चलाने कैसे सीखेंगे, आपको मैं आज वीडियो में गाड़ी चलाना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, आगे आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि आप इजीली कार चलाना कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले गाड़ी में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारी सीट, हमारी सीट, हमें अपनी सीट कैसे एडजस्ट करनी है। तो आप सीट अपनी कहाँ से एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, ये हमारी जो सीट होती है, ये हम सीट को यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ये देखिए ये साइड। तो फ्रेंड्स, ये जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा लीवर होता है, लीवर को हम इसको ऊपर खींचना होता है, लीवर ऊपर खींच के ये सीट हमारे आगे पीछे एडजस्ट हम कर सकते हैं, ये अपनी सीट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी सीट एडजस्ट हो गई। उसके बाद हम चलेंगे अपने पैंडल के तरफ, जो हमारे पैंडल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी कार में तीन पैंडल है, थ्री पैंडल। ये कौन कौन से होते हैं, ये जो फर्स्ट होता है, ये होता है हमारा ए, बी एंड सी। ये आपने सुना होगा, ए, बी एंड सी, यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। ठीक है फ्रेंड, अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो अपना लेफ्ट पैर रखेगा वो आप रहेगा आपका क्लच के ऊपर, और जो आपका राइट पैर रहता है ये आपका रहता है एक्सीलेटर और ब्रेक के थोड़ा बीच में, ताकि आप उसको ईजिली मूव कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। कभी भी आप क्लच को, जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लच दबाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे क्लच दबाया, पूरा गाड़ी स्टार्ट करी, फर्स्ट गियर डाला, क्लच दबाने के बाद आपको क्या करना है, पैर रेस पे रखना है। रेस पे रखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, धीरे धीरे आप उसका क्लच छोड़ेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के इसकी रेस लेंगे। देखिए, क्लच बिल्कुल स्लोली स्लोली छोड़ना है, जैसे मैं बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ये नहीं कि आपको एकदम झटके से क्लच छोड़ दो, और धीरे धीरे साथ में रेस लेनी है। इस तरीके से आपकी गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि देखो, धीरे धीरे आपने क्लच छोड़ा, साथ में हल्के हल्के आपने रेस ली, इस तरीके से आपकी गाड़ी आगे चलेगी। और जैसे ही आपको गाड़ी रोकनी है, पार्किंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, तुरंत थोड़ा रोकनी भी है, ज़्यादा आगे तक गाड़ी नहीं भगानी है। तो क्लच छोड़ा, धीरे धीरे आपने रेस ली, गाड़ी चली, और जैसे आपको रोकना है तो आपको क्या करना है, पूरा क्लच दबाना है, क्लच कभी आधा नहीं दबना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरा आपको क्लच दबाना है। उसके बाद सीधा आपको ब्रेक पे पैर लाएंगे और इजीली धीरे धीरे आपको ब्रेक मारनी है। ब्रेक ही पहले आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रेक बिल्कुल उसकी सॉफ्ट होती है, ये नहीं कि आप एकदम दबाओ और झटका खा जाओ, तो इसलिए ब्रेक कभी भी हो, इजीली धीरे धीरे आप ब्रेक दबाएंगे, इस तरीके से आपकी गाड़ी रुकेगी।
फिर आपको दोबारा वही प्रैक्टिस करनी है, पैर रेस पे ले जाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, हल्की हल्की रेस लेनी है, फिर आपकी गाड़ी चलेगी। फिर आपको दोबारा इसलिए क्या करना है, क्लच दबाना है, ब्रेक मारी आराम से, आपकी गाड़ी रुक गई। ठीक है फ्रेंड, यही आपको आगे पीछे करते रहना है। पहले फ्रंट गियर डालना है, आगे करनी है, बैक गियर डालना है, पीछे करनी है। पैर की पोजीशन आपकी यही रहेगी, आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और साथ में हल्की हल्की रेस लेनी है। आपको ये चीज़ तब तक करनी है जब तक आपकी गाड़ी ईजिली चलने लगे और ईजिली जब तक रुकने लगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने क्लच छोड़ा, रेस दबाया और गाड़ी आपकी आगे झटका मार के बंद हो जाए। तो आपको ईजिली इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है पार्किंग में, जब तक आपका ये ईजिली पैर सेट ना हो जाए। जब आपको लगता है कि आपका ईजिली पैर सेट हो गया है, तो उसके बाद ही आप गाड़ी को आगे मूव करेंगे। और उसके गियर की तरफ अब मैं आपको दिखाता हूँ गियर, आपको गियर का यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं गियर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा होता है गियर। ठीक है, अब आपको गियर यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका गियर होता कहाँ पे है। ठीक है, कभी फ्रेंड्स गियर यूज़ करने से पहले गियर का ध्यान रखिएगा। गियर में हमेशा डायग्राम बना होता है, जो आपका इस समय गियर होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन आपका कहाँ पे होता है, 3 और 4 के बीच में, ये हमारा होता है न्यूटन गियर। न्यूटन मतलब इस समय गाड़ी किसी गियर पे नहीं है, गाड़ी का गियर पूरा मूव करेगा, ये देखिए, इसका मतलब ये गाड़ी न्यूटन में। ठीक है फ्रेंड, अब आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट गियर डालना है सबसे पहले। तो फर्स्ट गियर कैसे डालना है, आपको सबसे पहले आप क्लच दबाएंगे। गियर कैसे डालेंगे, देखिए डायग्राम में सारा बना होता है, अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं, कभी हमारी वीडियो देखते हैं, आप यूज़ करते हैं भूल जाते हैं, तो आपको इस समय अपने डायग्राम का ध्यान रखना है। मेन आपको ये पोजीशन ध्यान रखना है कि आपका जो गियर है 3 और 4 के बीच में है। तो आपको फर्स्ट गियर कैसे डालना है, गियर की आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट गियर आपको कैसे डालना है, सबसे पहले आपको इसको गियर को लेफ्ट दबाना है और लेफ्ट दबा के इसको आगे करना है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर डालते ही देखिए मूव करना बंद कर देगा, जैसे पहले पूरा मूव करा, आप देखिए कोई मूव नहीं कर रहा है गियर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट गियर डल गया है। सेकंड गियर के लिए आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट के सीधा पीछे सेकंड गियर होता है, सेकंड गियर के लिए आपको इसको गियर को पीछे लगाना है। इसको आप गियर को साइड दबाएंगे और सीधा हल्का से पीछे ले आएंगे, ये हमारा सेकंड गियर हो गया है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड गियर के बाद आपको क्या करना है, थर्ड गियर डालना है। थर्ड गियर के लिए भी आपको देखिए न्यूटन लाना है, न्यूटन करने बाद इसको सीधा आगे करेंगे, ये आपका थर्ड गियर होगा। पहले आप इसको न्यूटन करेंगे, ये आपका न्यूटन हो गया। न्यूटन करने बाद तीसरा गियर डालेंगे, सीधा आगे आपका तीसरा गियर हो जाएगा। तीसरे गियर के बाद सीधा पीछे आपका फोर्थ गियर होता है, ये सीधा पीछे आप खींच लेंगे, फोर्थ गियर हो जाएगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया तीसरे से फोर्थ लाने के लिए न्यूटन तो नहीं करना पड़ता, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूटन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका रास्ता ही न्यूटन होते हुए गियर डलता है। क्योंकि ये देखिए 3 नंबर है, तो आप कैसे भी इसको पीछे आगे खींचेंगे तो अपने आप ही न्यूटन होके ही इसका गियर जाता है। तो इस माइंड को मत रहिए कि पहले आप तीसरे से न्यूटन करेंगे फिर आप फोर्थ गियर लेंगे, ये आप पीछे करते लाते हैं तो ये न्यूटन अपने आप हुआ और ये फिर आपका ये फोर्थ गियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, आपको फिफ्थ गियर डालना है। फिफ्थ गियर के लिए आपको वापसी लाना है न्यूटन पे, न्यूटन करेंगे, न्यूटन हो गया, देखिए न्यूटन जैसे डायग्राम में बनाया। न्यूटन करने के बाद आपको करना राइट दबा के फिफ्थ गियर ऊपर डालना है। फर्स्ट गियर सेकंड गियर आपको इधर लेफ्ट दबा के है, थर्ड फोर्थ सीधा आगे पीछे है, फिफ्थ और गियर आपका बैक इधर को दबा के लेफ्ट राइट साइड को। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे आपने न्यूटन किया, न्यूटन करने के बाद आप राइट दबाएंगे और सीधा उसको ऊपर कर दें, फिफ्थ गियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका द्वारा न्यूटन हो गया। अब आपको गाड़ी रिवर्स करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था पार्किंग में आप चलाएंगे फर्स्ट और रिवर्स करके ही आगे पीछे करके प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। तो रिवर्स गियर के लिए साइड दबाएंगे दोबारा और उसको पीछे खींच देंगे, ये हो गया आपका रिवर्स गियर। रिवर्स के बाद आपको दोबारा फर्स्ट में आना है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको न्यूटन करना है, न्यूटन करने के बाद फिर आपको साइड दबाएंगे पूरे कोने लेफ्ट में और ये आपका दोबारा फर्स्ट गियर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके आपको प्रैक्टिस करनी है, गियर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी गियर कभी भी गलत ना जाए। फर्स्ट डालना है, फर्स्ट डाला, सेकंड डाला, थर्ड डाला, ये अपने फोर्थ डाला, ये फिफ्थ डाला और ये आपका बैक गियर हो गया। गियर इस तरीके से होने चाहिए, आप आंखें बंद करके भी कहीं भी गियर डालेंगे तो आपका इजली गियर डल जाए। क्योंकि मोस्टली पोजीशन हमने देखा, जब भी हम गाड़ी सिखाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम गाड़ी सिखा रहे हैं तो उसके बाद हम उसको बोलते हैं भैया को कि भैया आप सेकंड गियर डालिए, थर्ड गियर डालिए, तो वो क्या करते हैं नीचे देखने लग जाएंगे, भैया कहाँ पे है गियर। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, सबसे पहले आप गाड़ी को घर पे पार्किंग में अच्छे से गियर की प्रैक्टिस कर लें, ताकि गाड़ी चलाते समय आपको नीचे देखना ना पड़े। क्योंकि आप अगर गाड़ी चलाते समय नीचे देखते हैं, जैसे ही आपने नीचे देखा, इन केस भगवान ना करे कोई आपकी गाड़ी के आगे आ गया, तो वो समझ लो फिर आप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए कभी भी प्रैक्टिस पहले अच्छे से कीजिए गियर की, ताकि आपको सामने देखने के बाद गियर को देखना ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो गियर को देखना ना पड़े। और उसके बावजूद अगर आपको गियर में कोई कन्फ्यूजन है, गियर आपको नहीं समझ आ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो इस गियर के लिए भी हमने एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे गियर डाल सकते हैं इजीली तरीके से। और कभी आपका गियर गलत डलते हैं, तीसरा गियर डले फोर्थ गियर डल, पहले के बदले तीसरा गियर डलता है या सेकेंड के बदले फोर्थ गियर डलता है, अगर इस तरीके से आपके गियर गलत डलते हैं, तो उसके लिए भी हमने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है स्पेशली गियर की। तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उस गियर की वीडियोस को भी आराम से इजीली चेक कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक देके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको मैंने सिखा दिया कि आपको पैंडल कैसे यूज़ करना है, गियर का कैसे यूज़ करना है, क्लच रेस ब्रेक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख लेना है पहले, उसके बाद ही आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश ये करना है कि फर्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप सीख रहे हैं, तो पार्किंग में भी अगर आप सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अकेले बिल्कुल ट्राई ना करें कहीं भी। कोशिश ये करें आपके साथ आपका ब्रदर, फादर, फ्रेंड्स, कोई भी एक पर्सन बैठा होना चाहिए, ताकि इन केस भगवान ना करे कोई बात हो जाए तो वो आपको कंट्रोल कर सके। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मोटिव यही रहता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं अच्छे से कार सीख सकें और सेफली तरीके से उसको ड्राइव कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट आपको दोबारा बताना चाहूँगा, कोशिश कीजिए कि अगर आपके साथ कोई पर्सन हो तो आप पार्किंग में इजीली प्रैक्टिस करें, या फिर आपने पहले एक दो बार भी अगर गाड़ी चलाई है तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सेफली केयरफुली, वही हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है कि आप आराम से गाड़ी सीख सकें। तो आपको मैंने पैंडल के बारे में बता दिया है, गियर्स के बारे में बता दिया है, अब हमारा रहता है कि हमें गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमें गाड़ी चलानी कैसे है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको गाड़ी बताते हैं कि हमारी गाड़ी की चाबी क्या लगती है, गाड़ी हमारी स्टार्ट कैसे होती है, और आपको हम थोड़ा सा आगे गाड़ी मूव करके भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, ये जैसे आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड है। तो आपको जो गाड़ी का जो लॉक खोलना है वो कहाँ से खोलना है, गाड़ी की जो हमारा स्टेयरिंग होता है, ये इसको हमारा स्टेयरिंग हो गया गो राउंड, ये स्टेयरिंग के नीचे ही हमारा चाबी लगने की जगह होती है, की लगने की, ये देखिए ये हमारा चाबी लगने की जगह बनाई होती है, लॉक जो होता है हमारा, इसको क्या करना है आपको लॉक, चाबी को लॉक के अंदर डालना है, ठीक है फ्रेंड, ये इजीली आपका चले गया अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, चाबी को घुमाना है। पर अगर आपका स्टेयरिंग लॉक है, कई लोग स्टेयरिंग लॉक करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, अगर आपका स्टेयरिंग लॉक है तो आपकी ये चाबी इजीली नहीं घूमेगी, ये देखिए, अगर आपका स्टेयरिंग लॉक नहीं होता तो गाड़ी आपकी इजीली घूम जाती चाबी। इस पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको इस स्टेयरिंग को हल्का सा हैंड को हिलाएंगे, स्टेयरिंग को हल्का सा हिलाने के बाद ही आपको इस चाबी को घुमाएंगे, खोल देंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, ये जैसे ही मैंने लॉक खोल दिया, हल्का स्टेयरिंग घुमा के देखिए चाबी का लॉक खुल गया। अब इसकी फर्स्ट बार जो आपका एक बार और आगे घुमाएंगे तो आपकी उसमें क्या होता है, मीटर ऑन हो जाता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कई नए लोग क्या करते हैं, आगे चाबी घुमाने से पहले डरते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर नए फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आप चाबी आगे घुमाएंगे तो आपको डर रहता है कि गाड़ी स्टार्ट तो नहीं हो जाएगी हमारी एकदम से। तो चाबी आराम से घुमाइए, एक बार ऑन करेंगे चाबी तो अब तक तो आपकी मीटर ऑन नहीं होता। फर्स्ट लॉक में आपका लॉक खुलेगा, सेकेंड बार आप घुमाएंगे आपका मीटर ऑन होगा, थर्ड बार जब आप उसको घुमाते हैं तो उसके बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी गाड़ी, आजकल जो मोस्टली नई गाड़ी आ रही है उनमें क्या होता है, बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी गियर पे होती है और स्टार्ट कर देते हैं बिना क्लच दबाए। तो हम जैसे गाड़ी का क्लच दबाया, अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये इसलिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप धीरे धीरे क्लच छोड़ के देखेंगे कि आपकी गाड़ी गियर पे तो नहीं है कहीं, ये देखिए धीरे धीरे इसलिए क्लच छोड़ेंगे या अभी गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हमको चलाने के दिखाएंगे आपको गाड़ी, क्या वो गाड़ी चलानी कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हमने बता दी कैसे होगी, गियर हमने आपको समझा दिए कैसे डलेंगे, अब हम आपको थोड़ा आगे से उसको मूव करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको पैर नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको पैर ही दिखा पाऊँगा या वो गाड़ी चला के दिखा पाऊँगा फ्रंट में, क्योंकि आपको पता है यूज़ में ही कर रहा हूँ कैमरा। तो चलाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक का ध्यान रखना है। हैंड ब्रेक कौन सी होती है आपकी, ये होती है, ये होती है आपकी हैंड ब्रेक। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक लगी रहती है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी झटका मार के बंद हो जाती है, नहीं भी चलती। और कई बार क्या होता है, जब थोड़ी गाड़ी पुरानी होती है, हैंड ब्रेक लूज़ हो जाती है, तो उसमें कई लोग हैंड ब्रेक पर ही गाड़ी चलाते चले जाते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते कि उनकी गाड़ी की हैंड ब्रेक भी लगी हुई है। उससे आपकी गाड़ी के टायर ख़राब होते हैं, इंजन में लोड बढ़ता है और आपकी गाड़ी में माइलेज भी कम आता है, तो इसके बहुत ही नुकसान होते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले आप हैंड ब्रेक को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस हैंड ब्रेक को नीचे कैसे करना है, कभी आप इसको नीचे दबाएंगे तो सीधा बटन नहीं दबाएंगे, क्योंकि बटन दबाएंगे तो नीचे नहीं होएगी,
उसमें क्या करना है आपको, इसको हल्का सा पहले ऊपर को प्रेस करेंगे, ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचने अगर इसको आप बटन दबाते हैं, ये देखिए बटन दब गया, इसको आप इजीली नीचे कर देंगे, ये आपकी हैंडबैग नीचे हो गई। अब हम चलते हैं, ये हमारा हैंडबैग हो गया, अब हम चलते हैं अपने मिरर की तरफ। आपको मिरर सेट कर लेना है जरूरी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए आपका साइड मिरर हो गया, साइड मिरर में कोशिश ये करिएगा कि पीछे का हल्का पोर्शन जो आपका पीछे का गेट होता है, जो गेट का हैंडल होता है पीछे वाले गेट का, इतना ही आपको गेट दिखना चाहिए। आपको पीछे हल्का पीछे शीशा दिखेगा और हल्का आपको गाड़ी का गेट दिखेगा, ताकि आप पीछे इसलिए देख सकें कि आपके बॉल पे अगर पीछे बॉल है, बॉल में कितना डिस्टेंस है, या पीछे अगर आप गाड़ी मेन रोड पे चला रहे हैं तो अगर पीछे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, आप इसलिए देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद वो आपका हो गया लेफ्ट मिरर। लेफ्ट मिरर भी आपको इसी तरीके से सेट कर लेना है। पीछे देखिए जैसे कि साइकिल खड़ी है, साइकिल भी दिख रही है, तो आधा आप पीछे, ये हमारे पार्किंग में तो इसलिए थोड़ा सीधा सेट नहीं है, बाकी ये देखिए पीछे भी आपको पूरा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको बीच का मिरर भी आपको सेट कर लेना है बिल्कुल, ताकि आप पीछे इजीली देख सकें। ये देखिए जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है वॉल आपके कितने गैप में, वॉल का डिस्टेंस देखिए, इस तरीके आपको अपने तीनों शीशे सेट कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तभी आपको आगे चलना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, क्लच, रेस, ब्रेक आपको सेट हो गए हैं बिल्कुल, आपने प्रैक्टिस कर ली है, गियर की आपने प्रैक्टिस कर ली है अच्छे से, हैंड ब्रेक आपको मैंने बता दिए हैं, मिरर आपके सेट हो गए हैं, कैसे कैसे आपको मिरर सेट करने हैं। अब फ्रेंड्स, अब क्या बचा है हमारा, गाड़ी चलाना है। अब हमें गाड़ी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे आपको गाड़ी चलाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पैर, या तो पैर दिखा पाऊँगा फ्रेंड्स, या फिर अपनी गाड़ी दिखा पाऊँगा कैसे चल रही है। पैर को क्योंकि मैंने वो समझा दिया है कि कैसे वो सेट करना है, तो हम आपको अपनी आगे गाड़ी की तरफ दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये हमने क्या करा, सबसे पहले हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे, क्लच हमारी दबी हुई है, हम इसको क्या करना है, फर्स्ट गियर डालेंगे। फर्स्ट गियर डालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, हल्की हल्की रेस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा कभी भी हो, आपका गाड़ी का स्टेयरिंग का जो सीधा बैलेंस होता है, ये आपका ये होता है, देखिए प्लेन है, अगर आपका स्टेयरिंग लेफ्ट घुमा हुआ है तो ये हल्का देखिए दिख रहा है, तो ये स्टेयरिंग का टायर जो आपका लेफ्ट को घूमे, राइट को घुमा है तो हल्का से देखिए आपका टायर राइट को घूमे, तो ये प्लेन सीधे होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे जैसे पार्किंग का गेट है, क्योंकि हम ज़्यादा आगे तो चलाएंगे नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे ही चलाएंगे, तो देखिए अब ये आगे जैसे पार्किंग का गेट है, अब हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे हमने क्लच छोड़ा, हल्की हल्की हम आगे रेस ले गए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहुँच गई गाड़ी आगे तक हमारी, पार्किंग के पास तक, गेट तक। ये देखिए, फिर आपको क्या करना है, बैक में देखना है, दिख रहा है बैक, ये आपने बैक गेट डाला। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने निकाल के बैक गेट डाल दिया है। अब आपको करना है बैक चलाना है, जो है धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, हल्की हल्की रेस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है शीशा, ये देखिए, ये हमारे पीछे दीवार की तरफ चले गए हैं, ये हमने बैक कर ली और ये हमने ब्रेक मार दी। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फिर हमारी गाड़ी पीछे चले गई गेट से। फिर दोबारा आपको आगे लानी है, फर्स्ट गेट डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ के हल्की हल्की रेस ली। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर आगे जा रही है हमारी गाड़ी, ये देखिए, ये फिर क्लच आ गए, ब्रेक मार दी, ये हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई। बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना जब तक आपकी गाड़ी इजीली चलने ना लग जाए, इजीली बंद ना हो, बस आपकी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जैसे जैसे आप रोड पे निकलते रहेंगे, आपका जो हाथ है क्लियर होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम चलेंगे पीछे की तरफ, ये देखिए, ये चल रहे हम दोबारा पीछे की तरफ। ये हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कैसे आपको इजीली प्रैक्टिस करनी है गाड़ी की। ठीक है फ्रेंड्स।